वाला हो चुका है हिट, आ चुकी है टीआरपी लिस्ट। चलिए आप लोगों को बताते हैं फोर्थ वीक की टीआरपी कितनी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप बिग बॉस 16 को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपके अकॉर्डिंगली बिग बॉस 16 हिट है या आपके अकॉर्डिंगली बिग बॉस 16 फ्लॉप है? हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। पर इसकी टीआरपी लिस्ट सामने निकल के आई है, उसके अकॉर्डिंगली तो भाई बिग बॉस 16 जो है हिट बताया जा रहा है। अगर ये बिग बॉस 16 हिट है तो किसकी वजह से, किसकी बदौलत से ये बिग बॉस 16 हिट जा रहा है, उसका नाम, उस कंटेस्टेंट का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो गाइस फोर्थ वीक की ये टीआरपी आई है, जहां पर अगर वीक डेज की हम लोग बात करें तो 1.5 टीआरपी है, और अगर वीकेंड्स यानी कि सैटरडे की अगर बात करें तो 1.9 है, जहां पर शायद जो करण जौहर है वो आए थे दिवाली के मौके पे, तो वहां पर 1.9 जो है टीआरपी बताई जा रही है, और संडे की टीआरपी 1.5 बताई जा रही है। इसके अकॉर्डिंगली इस सीजन को हिट बताया जा रहा है। हालांकि कल का एपिसोड जहां पर प्रियंका और अंकित दिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि मैं प्रियंका और अंकित को पसंद करती हूं इसीलिए जो है ये बात बोल रही हूं, पर नहीं, एक 15 मिनट का एपिसोड जो है स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा जनता कनेक्ट कर पाई, पर जिस तरीके से एपिसोड को दिखाया जा रहा है वो एक एंटरटेन के बेस पे, हाँ चलो ठीक है देख रहे हैं, बट गेम जो है घर के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रही है मेरे अकॉर्डिंगली। मुझे लगता है कि इससे और ज्यादा बेटर होना चाहिए, बिग बॉस को गेम बनानी चाहिए। पर आपके अकॉर्डिंगली एपिसोड्स कैसे हैं, क्या ये शो हिट है या फ्लॉप है, और अगर हिट है तो किसकी बदौलत ये हिट हुआ, उसका नाम जरूर बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।